अभी तो मुगल रोड जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट के लिए क्लोज ही रखी हुई है। जो लास्ट हमने स्नो क्लियरेंस की थी हमने, तो पूरी रोड जो हमने वो थ्रू की थी। रोड क्लियर करने के बाद जो जब इंस्पेक्शन हुई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो हमारे न्यू जो चीफ इंजीनियर आए हैं मुगल रोड के, वर्दी चीफ इंजीनियर साहब, उन्होंने खुद पर्सनली इंस्पेक्शन करके जो फाइंड किया कि जो रोड है वो ट्रैफिक मूवमेंट के लायक नहीं है, क्योंकि हमने स्नो तो क्लियर कर दी थी बट रोड पर जो है वो कोहरा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी। तो उस वजह से वहाँ पे जो एक्सीडेंटल जो है चांसेस बहुत ज़्यादा थे एक्सीडेंट्स के, तो उस वजह से उन्होंने जो ऑर्डर दिया था कि रोड को हम क्लोज ही रखेंगे। तो विद इन मीन टाइम जो है वो फ्रेश स्नोफॉल फिर से हो चुकी है 2 बार, तो अब ऑलमोस्ट जो है स्नो 3 से 4 फुट का जो अनुमान है पीर गली में, जो 3 से 4 फुट तक स्नो होगी।